हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज इवेंट फ्रॉम decaprep.com। और गाइस, आज की इस एपिसोड में आप सीखेंगे कि आप सिग्नेचर लोगो कैसे बना सकते हैं। सपोज दैट आप फोटो एडिट करते हैं या फिर फोटोग्राफी करते हैं, तो आप देखते होंगे मोस्टली पीपल इस तरीके से लोगो अपना जो है बॉटम में या टॉप में कहीं पे भी लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो इमेज होती है वो कॉपी राइटेड हो जाती है कि हाँ, ये इमेज आपकी है, आपने इसको एडिट किया हुआ है। तो एक तरीके से इस आपकी पॉपुलैरिटी भी थोड़ी बढ़ती है लोगों में, लोग जानते हैं आपके नाम से कि हाँ, ये कोई फोटोग्राफी है या फिर क्रिएशन है। तो बहुत ज़रूरी होता है इस प्रकार का लोगो डिज़ाइन करना। तो देखिए, आज हम आपको बताने वाले इस प्रकार का सिग्नेचर लोगो आप कैसे क्या डिज़ाइन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड है कि आप सिग्नेचर कर लीजिए वाइट पेपर पे, उसको स्कैन कर लीजिए और फिर फोटोशॉप पे ला के उसका बैकग्राउंड हटा दीजिए। एक वो मेथड होगा। एक ये कि आप कोई फॉन्ट यूज़ करके आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मैंने एक फॉन्ट यूज़ किया हुआ है, तो सबसे पहले आपको आना है यहाँ पे, आपको dafont.com पे आना है। ओके, जैसे ही साइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं, हर प्रकार के आपको फॉन्ट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे हम आ जाएंगे स्क्रिप्ट पे, तो यहाँ पे कैलीग्राफी, स्कूल, हैंड राइटिंग, ब्रश, ट्रेस, गैप्टी, बहुत प्रकार के आपको मिल जाते हैं। तो हमें यूज़ क्या करना है, हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे कुछ फॉन्ट्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस फॉन्ट को डाउनलोड करता हूँ। वैसे ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था यहाँ पे, देखिए। और जो भी आपको फॉन्ट समझ में आया, जो भी आपको यूज़ करना है, उसको आप पहले डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के जस्ट बाद में आपको एक काम करना है, उसको अनजिप कर लेना। जैसे कि ये जिप है तो इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और ये ऑलरेडी हमारा यहाँ पे देखिए अनजिप था ही। फिर आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, और ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए उसने बोल दिया कि दिस फॉन्ट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो पहले आपको नाम इसका, मोस्टली है, ठीक है ना। तो अभी आपको एक ये सर्च करेंगे वहाँ पे, कुछ टाइप करते हैं तो आपको ये नाम बिल्कुल याद रखना होगा। तो इसके लिए आपको एक अलग से नया पेज बना लीजिए, ठीक है। आप 500x500 का मैंने ले लिया है, और बैकग्राउंड आप कुछ इस तरीके का ले लीजिए। ओके, सो मैंने अभी ये ले लिया है बैकग्राउंड। सो हो सकता है आपको ना समझ में आ रहा हो, तो डोंट डोंट वरी, हम दूसरा कुछ ले लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। ओके, जिससे आपको समझ में आ जाए। ओके, सो अभी ये आ गया है। ओके, ये बैकग्राउंड है। अब गाइज, आपको करना क्या है, यहाँ पे फॉन्ट सबसे पहले आपको लेना है, कुछ टाइप करना है, जैसे कि dkwebtech, सपोज दैट dkwebtech। और यहाँ पे जो कलर है वो आपको देखिए, यहाँ पे अभी मेरे को वाइट करना है ये वाला कलर, ठीक है। तो मैंने इसको वाइट कर दिया है। ओके, dkwebtech। फिर इसके बाद में फोटोग्राफी, तो आपको पहले सबसे पहले आपको टेक्स्ट को टाइप कर लेना है। ओके, फोटोग्राफी, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, और लेटर स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखी है। ओके, तो यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले जो लेटर स्पेसिंग है वो थोड़ी सी हम चाहें तो कम कर सकते हैं। यहाँ से 300 है तो आप 100 100 कर लीजिए। अगर बाद में ज़रूरत पड़ती है बढ़ाने की तो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसकी भी मैं 100 कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 100 100 कर दिए यहाँ पे, जो इसकी लेटर स्पेसिंग थी। अब बात आती है फॉन्ट को चेंज करने की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फॉन्ट को चेंज करता हूँ। तो देखिए, ये फॉन्ट कुछ इस तरीके से चेंज हो गया है। अभी ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो फोटोग्राफी को हम क्या करेंगे, रेगुलर ही एरियल ही रहने देंगे, और इसका जो फॉन्ट साइज़ है थोड़ा सा छोटा करेंगे, या कंट्रोल टी करके हम अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लेंगे जितना भी हमको चाहिए। ओके, तो अभी इसको जूम करके देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 100% पे है ये। तो ये काफ़ी इजी है मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा लोगो बनाना। तो देखिए, अब काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अगर आप चाहो तो लेटर स्पेसिंग हल्की सी आप बढ़ा सकते हो, जैसे कि मैंने 120 इसकी कर दी, और फोटोग्राफी की भी थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ 150। ओके, सो 150 मैंने यहाँ पे की हुई है, और कंट्रोल टी करके थोड़ा सा यस एच के इक्वल ही रखता हूँ। तो dkwebtech फोटोग्राफी, तो ये काफ़ी खूबसूरत लोगो बन चुका है। अब आपको एक सिंपल सा काम करना है, दोनों को सेलेक्ट करना है, या फिर अब आप इसका बैकग्राउंड अब अपने हिसाब से रख सकते हो। जैसे कि थोड़ा सा ओके, ओल्ड बैक स्पेस से कलर फिल कर दिया। तो अब बैकग्राउंड इसको अपने हिसाब से बाद में चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, अब दोनों को मैंने सेलेक्ट लिया, दोनों लेयर को यहाँ पे देखिए, और इसको जस्ट ट्रैक करके लाऊंगा तो यहाँ पे आ चुका है।
अब इसको आप सेव कर लेंगे PNG में ताकि नेक्स्ट टाइम आप यूज़ कर सकें। तो ये मेरा ऑलरेडी पहले से था, इसको हटाता हूँ और नया वाला जो लिया है उसको अपनी फ़ोटो पे चिपकाता हूँ। तो अब देखिए बड़ा भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, इसको छोटा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको बेटर लगता है उस तरीके से कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक डीके वेबटेक को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो डीके वेबटेक को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।